कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि ऐसा एक और मामला सामने आ गया। इस बार भारत के अंजू अपने सोशल मीडिया मित्र से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई हैं। सोशल मीडिया मित्र सिर्फ मित्र ही है या इससे कुछ ज्यादा, इस बारे में कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन अंजू ने कहा है कि वह पाकिस्तान घूमने आई हैं और 2-4 दिन में वापस भारत आ जाएंगी। वहीं उसके पति अरविंद का दावा है कि अंजू पहली बार उसे बिना बताए कहीं गई है। वापस आने पर अब उसे साथ रखा जाएगा अथवा नहीं, इसका फैसला बच्चे व परिवार लेगा। दरअसल अंजू ने भी कहा है कि वह पति से परेशान है और बच्चों संग अलग रहना चाहती हैं। अंजू का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कैलोर गांव में हुआ था। वर्तमान में वह राजस्थान के भिवाड़ी जिले में रहती है। उसकी उम्र 34 साल है। होंडा मोटर्स में कार्यरत अंजू 10 दिन की छुट्टी ये कहते हुए ली है कि यदि वह नहीं आए तो किसी अन्य को उसकी जगह रख लिया जाए। उसकी दोस्ती 4 साल पहले पाकिस्तान के नसरुल्लाह से हुई थी। वह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंजू एक माह के वीजा विजिट पर पाकिस्तान पहुंची है। उसने बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में प्रवेश किया, इस्लामाबाद पहुंची और खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए पाकिस्तान सरकार से इजाजत ली और अपने प्रेमी के घर जा पहुंची। शुरुआत में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था, लेकिन दस्तावेज सही होने के कारण उसे रिहा भी कर दिया गया। उसे सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई है। नसरुल्लाह के परिजनों ने दावा किया है कि अंजू वहां शादी के लिए नहीं बल्कि दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए आई है। मीडिया रिपोर्ट ने अंजू के हवाले से बताया है कि वह नसरुल्लाह से प्यार करती है और शादी करके उसके साथ वही रहना चाहती है। उधर अंजू के पति अरविंद ने पुलिस को बताया कि अंजू जयपुर कहकर घर से गई थी, बाद में पता चला कि वह पाकिस्तान गई है। इस बारे में अरविंद ने न्यूज एजेंसी ANI को यह जानकारी दी। मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। मेरे को कल शाम को पता चला है, चला कि लाहौर हूँ। कैसे पता चला आपको? वो फोन आया था, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, उस पे। क्या बताया उन्होंने? थोड़ा बताइए। उन्होंने बताया था कि मैं लाहौर हूँ। मैं सबको बता दिया हूँ, मम्मी पापा को, फेवा को, ब्लेसी को, सब। तो लाहौर क्या करने के लिए? ये मेरे को नहीं पता कि लाहौर क्या करने के लिए, क्लियर कट मेरे को नहीं पता इस बारे में कि क्यों गई है, कैसे गई है, ये नहीं मेरे को पता। कैसे वीजा अप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, कैसे वेरिफिकेशन हुआ, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं। वो तो कल मेरे से मीडिया वालों से बात चली थी तो वो बता रहे थे, मेरे को तो इतनी कोई बात नहीं हुई। हाँ, कि अपने मिस से मिलने गई है। हाँ, मेरे से ये बोली थी कि जयपुर सहेली रहती है, उससे मिलने गई है, ये बात हुई थी। कोई नूरुल्लाह नाम के शख्स हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं? मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। करीब 15-16 साल तो हो ही गए सर, 2007 से शादी। और कौन कौन है फैमिली में? आपके मेरे दो बच्चे हैं, वो हैं अभी साले और घरवाली उसको बुलाया था। कभी आपको ऐसा लगा कि जो ऑनलाइन चैटिंग वगैरह करती हैं या बात? ना, ऐसा तो मैं उनका फोन जल्दी छूता नहीं हूँ। हाँ, ज्यादातर मैं अपने आप को कंपनी में ही रहता हूँ। हाँ, वर्किंग है, वो भी ड्यूटी जाती है, 8 से 8:30 की ड्यूटी है, 8 से 6 बजे तक होता है आने का इसका। लेकिन आपको लगता है कि आपकी धर्मपत्नी भी क्या शायद किसी प्यार के चक्कर में उस तरफ गई है? अभी तो मेरे को प्यार के बारे में नहीं है, मेरे को इतना पता है कि वो उसको कोई टच भी करता था, कोई उल्टा बोल देता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी, ये मेरे को तो पता है। तो आपकी अपने परिवारजन से बात हुई, उनके परिवारजनों से, तो उनका क्या रिएक्शन था इस पर, क्या कहना है? मैंने फिर दोबारा फोन किया, मैंने खुद किया फोन मांग के, मेरा तो फोन टूट गया है, उसमें भी दिखाई नहीं देता। मैंने फोन किया, भाई लाहौर कैसे चलेगी, पासपोर्ट लेके गई है क्या? बिना पासपोर्ट तो जा नहीं सकती। तो है वहाँ तो वीजा लगे, और मैंने ये पूछा भी नहीं वीजा कब अप्लाई किया, ये नहीं पूछा मैंने उससे। फिर कह रही मेरा वो थोड़ा मेरे को परेशान मत करो, मैं बाद में कॉल करूँगी, साल से उससे पूछ लूँ, बलस्सी से। मैंने फिर उसको फ़ोन किया तो कह रही है वॉइस कॉलिंग करो, मैं बात करती हूँ वॉइस कॉलिंग में। कह रही वो 2-3 दिन के लिए गई है, वो आ जाएगी 2-3 दिन में। वापस आने की तो बोली है वो, मेरे से कुछ दिन पहले बोली थी मंडे को आऊँगी मैं,
अब मंडे के बाद कह रही थी, कल पूछा मंडे को आना है ना, तो बोली कि एक दो दिन में आ जाऊंगी, एक दो दिन में आ जाऊंगी। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरा।